हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज़ियाउल हसन और आप देख रहे हैं जेड हसन पोल्ट्री चैनल। और आज हमारा 39वां दिन है, 39 डेज चल रहे हैं अभी चिक्स के, और लिफ्टिंग होने वाली है। हो सकता आज हो जाए, हो सकता कल हो जाए, कोई पता नहीं है। अभी कंपनी की ओर से वैसे 37 डेज पे बोला गया था, बट मैंने बोला था अभी दो एक दिन रुक जाइए, थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि वेट ऑल इन ऑल अभी बहुत बढ़िया नहीं था, क्योंकि मतलब 2 किलो के अप्रॉक्सीमेटली था, 2100 ग्राम भी हो सकता है। तो मैंने अभी बोल दिया था कि अभी थोड़ा रुक जाइए आप, तो मेरे कहने पे उन्होंने 2-3 दिन पोस्टपोन कर दिया और ये कहा है कि मैं जो लास्ट होगा लास्ट में आपका चिक्स उठा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाइयों, तो इस ये मेरी बात हुई थी चिक्स के लिए। तो हो सकता आज तो नहीं है, आज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता कल मेरा चिक्स उठ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं FCR पे बनाना चाह रहा हूँ कि FCR कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में FCR को हम कैसे मैनेज करके चलेंगे, क्योंकि दो ही बेनिफिट होते हैं हमारे जो फार्मर काम करते हैं उनके, सिर्फ दो ही बेनिफिट होते हैं। एक तो होता है जो इसका वेट वेट पर किलोग्राम में जो मिलता है अमाउंट, उसका फ़ायदा होता है। दूसरा, अगर आप FCR अच्छा लेकर चलते हैं, अच्छा मेंटेन करते हैं, और FCR आप जो आपकी जैसे दाने की बोरियां होती हैं वो कम खपत होती है आपकी, तो आपकी जो बुक वो भी कंट्रोल में रहती है, या FCR से जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्म करते हैं तो उनका FCR अच्छा जाता है। ठीक है भाइयों, तो मैं उसी पे बताना चाह रहा हूँ। तो उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और मैं और भी अच्छे वीडियो, जो मुझे जानकारी है या मुझे जानकारी गेन करके, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अगर मुझे नहीं पता है तो मैं किसी से एडवाइस ले कर के आपको शेयर करता हूँ। और जो नए फार्मर हैं उनके लिए बेनिफिट है, जो पुराने हैं उनको तो काफ़ी चीज़ों की जानकारी ऑलरेडी है ही, और फिर भी कुछ चीज़ें देखते हैं तो कुछ याद आ जाता है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी चीज़ों की जानकारी, अगर मैं भी कोई कुछ बताता तो बहुत सी चीज़ें एकदम माइंड से स्केप हो जाती हैं और हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, बट सामने चीज़ आती तो फिर उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो मैं FCR के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दूसरी चीज़ है, मेरे एक फ्रेंड का क्वेश्चन एक आया हुआ था कि गुड़ को क्या गर्मियों में दे सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन था कि एस्प्रिन का यूज़ क्या होता है, डिस्प्रिन का यूज़ क्या है, डिस्प्रिन या एस्प्रिन का यूज़ क्या है। तो जो मुझे जानकारी है मैं उसके हिसाब से आपको बता दूं, एस्प्रिन का इसमें यूज़ एसाइटिस अगर होता है तो उसके लिए किया जाता है, तो एसाइटिस उससे कम पड़ जाता है। और दूसरा, गुड़ जो होता है, गुड़ गर्म होता है, जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से गुड़ गर्म होता है, सर्दियों में बेहतर रहता है गुड़ देना, और गर्मियों में अगर आप देंगे दिन के टाइम में तो डेफिनेटली वो आप बच्चों के लिए नुकसानदेह रहेगा, उनका वेट भी लो हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है भाई, गर्मियों में अगर आपको गुड़ देना है तो रात को दीजिए, जब थोड़ा मौसम ठंडा होता है, ज़्यादा मिकदार उसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा मत दीजिए। ठीक है दोस्त मेरे, और ये तो हो गया आपका। उसके बाद मैं अब बताना चाह रहा हूँ FCR के लिए, अगर FCR आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, देखिए दो तरीके हैं FCR मेंटेन करने के। कल मेरे कलीग्स आए हुए थे जो अपना सेल्फ की फार्मिंग करते हैं, उनका कहना था कि आप दाना भरपूर लगाइए और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और FCR बढ़िया जाता है और आपके पैसे भी बचते हैं। तो मैंने उनकी बात सुन ली, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें होता क्या है कि दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन ये होती है कि जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो अलग कंडीशन होती है, जब सेल्फ के फार्मिंग कर रहे होते तो अलग कंडीशन होती है। मैं सभी लोगों को इसका असल में राज बताना चाह रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे जो पुराने फार्मर हैं उनको पता ही है। होता क्या है कि जैसे अगर आप सेल्फ फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जितना दाना खिलाएंगे, ठीक है भाइयों, और भरपूर खिलाएंगे, उतना ही वेट गेन करेगा, तो आपका जो प्राइस मिलेगा आपको गोश्त के अकॉर्डिंग मिलेगा, मान लो 110 रुपये किलो है या 80 रुपये किलो है, मोटा मोटा मान लीजिए 80 रुपये किलो है, तो अगर कुछ दाना खा के 1 किलो वजन लेता तो आपको 80 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका बेनिफिट होता है, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो आपको 5 रुपये या 6 रुपये पर किलोग्राम मिलता है। अगर आप भरपूर दाना खिलाएंगे, खूब ज़्यादा दिल खोल के दाना खिलाएंगे, तो दाना अगर 1 किलो खाता है तो आपको 1 किलो दाना 30 रुपये का पड़ता है, और उसके बदले में जो वेट गेन करेगा वो 50 से 60 ग्राम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 ग्राम का मतलब है अगर 6 रुपये पर किलोग्राम मिलता है तो आपके 3 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और दाना वो कितना 30 रुपये का खा जाएगा, तो क्या होता है उसको एक लिमिट भर खिलाना होता है,
और जैसे कि एक उसका टाइम पीरियड होता है बच्चों का, जो शुरुआत में आप भरपूर खिलाइए और लास्ट के मोमेंट में जब वो फिनिशर चल रहा होता है और बच्चा उठने वाला होता है, उससे पहले आप जो है उसको थोड़ा कंट्रोल करके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा कंट्रोल करके आप दाना खिलाएंगे। और FCR एक चीज़ से ही नहीं मेंटेन होता है, बहुत सी देखिए ट्रिक होती हैं उसमें एक साथ। जैसे मान लीजिए किसी का हेयर फॉल होता है तो जिसके बाल झड़ते हैं तो कहते हैं कि इस वजह से टूट गए होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बाल झड़ने में भी जैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जैसे पूरी नींद नहीं लेना, हरी सब्जियों से दूर रहना, फास्ट फूड खाना, ठीक है, और सही से तेल का चुनाव नहीं करना, बहुत सारे रीज़न होते हैं हेयर फॉलिंग, और अनुवांशिक भी होता है। तो वैसे ही इसके FCR मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसको हमें इसको करना पड़ता है। और उसको अगर हम बहुत सारी चीज़ें टिके यूज़ करेंगे, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करेंगे, तो आपका जो FCR होगा वो अच्छा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसके लिए आपको, अब बच्चे जो हैं ये अभी बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली देखिए जिस टाइम पर बच्चे फिनिशर फाइनली चल रहा होता है तो उस पर जो पुराने फार्मर हैं वो दाने को उठा देते हैं, ठीक है, दोपहर के टाइम पे दाने को उठा देते हैं और शाम को फिर खिलाते हैं जिस टाइम पे उनका खाने का टाइम होता है। ठीक है, तो उसमें करना क्या होता है कि जैसे देखो, एक तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि गर्मियों का अगर टाइम चल रहा है और दाना आप दोपहर में उठाते हैं तो उनको हीट स्ट्रोक होने के चांस कम हो जाते हैं, बच्चों को हीट स्ट्रोक कम होगा तो आपका ही बेनिफिट होता है। तो पहली चीज़ तो दाने को उठाने का जो तरीका, उसमें थोड़ा सा बदलाव करिए, एकदम करेंगे तो बच्चे लड़ते हैं, वो घायल कर देते हैं एक दूसरे को, थोड़े तरीके से उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोपहर के टाइम आप दाने को उठा दीजिए और उनका कंट्रोल ये करिए कि कितना आपको दाना खिलाना, उसके हिसाब से आप हाथ रोक करके खिलाइए। लास्ट में जब फिनिशर चल रहा होता है और बच्चा उठने वाला हो, उससे कुछ दिनों पहले से ही आप उसको दाने को कंट्रोल करके खिलाइए, तो उससे आपका जो है, जिससे कि क्योंकि लास्ट में वेट जो है बच्चा 50-60 ग्राम से ज़्यादा गेन नहीं करता है, शुरुआत में तो गेन कर लेता है अच्छा वेट, शुरुआत में बहुत अच्छा वेट गेन करता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है फिर वेट का इसका डाउन चला जाता है। शुरुआत में आपका 150 ग्राम खा के 70-80 ग्राम भी बढ़ा देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि आपका वेट जो है बहुत कम बढ़ाता है वो, और 100 ग्राम खा के भी 30-40 ग्राम बढ़ाएगा, तो इसलिए उसमें आपका लॉस होता है। तो आप उसको लिमिट भर खिलाएंगे तब भी वेट गेन करेगा, तो लास्ट के मोमेंट में आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल करिए और उससे क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेहतर बनेगी और आपका प्राइस आपको अच्छा मिलेगा चिक्स का। ठीक है दोस्तों, और ये मैसेज आ रहा है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ऑफ़ करना भूल गया था इसको और आप लोगों को सुनने में दिक्कत आ रही होगी। तो ये मैंने दोस्तों FCR के बारे में बताया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में थोड़ा इसको करिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सरसाइज होती है, मुर्गों की शुरुआत से आदत होती है एक्सरसाइज करने की, टहलाने की, उनको घुमाइए, इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा टहलाएंगे आप और जितना ये एक्टिव रहेंगे, और पानी फ्रेश दीजिए, हर 2-2 घंटे में पानी दीजिए गर्मियों में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी जो FCR को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, हवा पानी का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए इनका। ठीक है दोस्तों, और दाने को हल्का रोक करके देंगे तो 2 बेनिफिट होंगे गर्मियों में, एक तो उनको मोटिलिटी भी नहीं होगी, दूसरा उनका फीड भी कम मतलब जाएगा, खर्चा कम होगा। तो और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, ठीक है, उसको फॉलो करिए, बाकी कमेंट्स करिए कोई दिक्कत आती है तो डिस्कशन करते हैं। ओके भाइयों, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, थैंक यू, बाय।